नमस्कार दोस्तों, नीलम रत्न के बारे में तो आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। इसे शनि का रत्न कहा जाता है और माना जाता है कि जिन लोगों को नीलम रत्न सूट होता है वो जीवन में खूब तरक्की करते हैं। नीलम की तरह ही एक रत्न और भी है जिसे खूनी नीलम कहा जाता है। ये रत्न नीला तो होता है लेकिन इस पर रक्तिम और गुलाबी रंग की आभा भी देखने को मिलती है। माना जाता है कि इस रत्न पर शनि और मंगल दोनों का ही प्रभाव होता है, यानी इस रत्न को पहनकर शनि और मंगल के शुभ प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इस रत्न को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम भी है। इन्हीं भ्रमों को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इस रत्न की कुछ खूबियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि खूनी नीलम खतरनाक होता है और इसकी वजह से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। ये बात 50% तो सत्य है। जी हाँ, अगर आप इसे बिना किसी योग्य ज्योतिष की सलाह के धारण करते हैं और ये आपको सूट नहीं करता है तो इसके घातक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसमें खूनी नीलम की कोई गलती नहीं होगी बल्कि आपकी लापरवाही इसमें ज्यादा होगी। कुछ लोग मानते हैं कि खूनी नीलम धारण करने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। इसका उत्तर भी यही है कि किसी योग्य ज्योतिष की सलाह के बगैर अगर आप इस रत्न को धारण करते हैं तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे धारण करने के बाद मानसिक परेशानियां होती हैं। ये बात सत्य नहीं है। अगर आप खूनी नीलम के साथ इससे जुड़े नियमों का पालन भी करते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि आपको खूनी नीलम धारण करने के बाद मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि किन लोगों को खूनी नीलम धारण करना चाहिए। दोस्तों, खूनी नीलम तब पहना जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और मंगल दोनों अनुकूल अवस्था में हों। जिन जातकों के लिए खूनी नीलम अनुकूल होता है उनके जीवन में ये चमत्कारी बदलाव लेकर आ सकता है। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही जीवन में आ रही कई परेशानियां भी दूर होती हैं। खूनी नीलम धारण करने से कई तरह की बीमारियों से भी व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रत्न आपको रातों रात धनवान बनाने की क्षमता भी रखता है, यानी इसे धारण करने से आपकी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। ये रत्न दुर्घटना, असमय मृत्यु, अशुभ घटनाओं से भी आपको बचाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में यह दोनों ग्रह यानी कि शनि और मंगल अच्छे हैं तो उन्हें खूनी नीलम धारण करना चाहिए। वहीं यदि कुंडली में इन दोनों की स्थिति खराब है तो गलती से भी यह रत्न धारण आपको नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किन स्थितियों में शनि और मंगल कुंडली में शुभ होते हैं। मंगल और शनि यदि कुंडली में स्वराशि यानी अपनी अपनी राशियों में हैं और इन पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो ये शुभ अवस्था में माने जाएंगे। इसके अलावा अगर ये दोनों ग्रह अपनी उच्च राशियों में हैं तब भी खूनी नीलम धारण किया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको योग्य ज्योतिष से इस रत्न को धारण करने की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में भी खूनी नीलम को लेकर यह धारणा है कि यह बहुत खतरनाक होता है तो आप गलत हैं। दरअसल ये खतरनाक तब हो सकता है जब आप अपने मन से ही इसे धारण कर लें। अगर आप योग्य ज्योतिष की सलाह के बाद इसे धारण करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।